भगवान ने पूतना का अंतिम संस्कार आदि संपन्न कराया। इधर भगवान को खोजते खोजते वहां पहुंचकर भगवान श्याम सुंदर को लेकर के आए। यशोदा मैया ने गौशाला में ले जाकर के भगवान को पंचगव्य से स्नान कराया और भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रही है, नजर उतार रही है। इंद्रियाणि हृदि हृषिकेश प्राणानारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरो वतु। क्योंकि जो पावर भगवान में नहीं है वो पावर भगवान के नाम में है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति, और नाम की जो महिमा है अनंत है, और कलयुग में तो नाम की प्रधानता है। अगले क्रम में कौशिक संहिता गर्ग संहिता के अनुसार एक प्रसंग आता है। महादेव भगवान का दर्शन करने आते हैं। सूरदास जी लिखते हैं, योग धारणा आदि से जाको धरिए ध्यान, सोई गोकुल में प्रकट हुए मेरे कृष्ण चंद भगवान। कृष्ण चंद भगवान गोद खेले यशोदा के, करूं मैं दर्शन जाए नंद बाबा घर जाके। अरे सुकृत गोकुल गांव को करी सके बखान, बाल रूप जहां खेलते मेरे कृष्ण चंद भगवान। और महादेव चल पड़े भरा। कितने बजे आए? सूरदास जी जब लिख रहे थे तो लीला सामने आ रही थी, समय ज्ञात हो गया। जोगिया भोर भगे ब्रज का, जोगिया भोर भगे में जाकर के दरवाजा खटखटा दिया। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, यशोदा परम वैष्णव है, थाली में भिक्षा लेकर के आ गया। महादेव ने कहा, मैया हम ये वाली भिक्षा नहीं लेते, हम तो प्रेम भिक्षु हैं। यशोदा जी ने कहा, ये नाम पहली बार सुना है हमने, प्रेम भिक्षु क्या मांगते हैं? बोले, मैया तेरे लाल के दर्शन को एक प्रेम भिखारी आया, लाला के दर्शन करने को ये दो नयन कटोरे लाया। भैया हम प्रेम भिक्षु हैं, केवल दर्शन चाहते हैं, माँ दर्शन करा दो। ये यशोदा जी ने कहा, बाबा सुनो, साफ कहना कुछ ना, दर्श हो नहीं लाल के ये पत्थर की लीक, लेना हो तो ले जा थाल भरी। बाबा दर्शन नहीं होंगे, थाल भरी ये भीख ले जाओ तुम अपने घर को, दर्श हो नहीं लाल के बाबा पुनि पुनि यहां मत ठन को। और महाराज यशोदा ने मना कर दिया।
शंकर जी ने कहा, अरे मैया तू नहीं जानती हम काशी ते आए हैं, काशी ते। यशोदा जी ने कहा, बाबा तू काशी ते आ चाहे झांसी ते आ, दर्शन होने वाला नहीं। सुनना मुझको है नहीं बाबा तेरी सीख, लेना हो तो ले जा थाल भरी। दरवाजा बंद कर लिया, क्यों नहीं दर्शन करा रही। अभी पूतना के वेश में, गोपी के वेश में पूतना आ गई। भगवान ने सोचा, यशोदा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि पूतना का ताऊ चाचा बन करके ना आ गया हो, इसलिए दर्शन नहीं करा रही महाराज। मादे ने बेतार का तार लगाया महाराज। उधर भगवान श्याम सुंदर रोने लगे, तुरंत कन्हैया जी ने रोदन ठाना, डॉक्टर वैद्य सब आए, पर भगवान का रोना बंद नहीं हुआ। तब जो है रोहिणी जी ने आकर के कहा, कहीं कोई साधु ब्राह्मण का अनादर तो नहीं कर दिया। यशोदा ने कहा, हाँ सुबह सुबह एक महात्मा आए थे, मैंने दर्शन नहीं कराया, लगता है इसी कारण से ऐसा हो रहा है। तब गोपियों से कहा, जाओ ब्रज से बाहर के जो महात्मा हो उनको लेकर के आना। गोपियां जाती हैं और भगवान श्याम सुंदर के रुदन को ध्यान में रखते हुए देखा, सामने महादेव आस लगा के बैठे थे। बाबा राधे राधे, महादेव कहते अलोक निरंजन। गोपियों ने कहा, बाबा जो लक है उसको तो देख लो, अलग को बाद में देखना। चलिए जोगी नंद महलों में, यशुमति तो ही बुलावे। जाना है पर ऐसे नहीं जाएंगे, मन मन भावे मूड हिलावे। बोलो क्यों, जो सहज में मिल जाता है हम उसकी कद्र कम करते हैं। संसार का नियम है, कोई थिंकिंग है, सिस्टम है, भगवान जाने क्या। गेहूं के बिना प्राण नहीं है, अन्न के बिना, और सोने के बिना हम जी सकते हैं, पर सोने की कीमत गेहूं से ज्यादा है, इसलिए सोने को हम संभाल संभाल कर रखते हैं। गेहूं कहीं गिर भी जाए तो चिंता नहीं होती, और सोने का एक थोड़ा सा इतना सा कील भी नीचे गिर जाता है तो झाड़ू लगा करके धूल को छन्नी से छानते, क्या हो गया, अरे बोले सोना गिर गया। यद्यपि गेहूं के बिना जी नहीं सकते, पर सोने की कीमत ज्यादा चुकाई है, इसलिए हमारे मन में उसकी कद्र ज्यादा है। बार बार जब गोपियों ने कहा तो लचकत मचकत शिव जी बड़े आनंद के साथ मन में मोद बढ़ाओ, आयो जोगी नंद मघल में। यशोदा ने पादोपाद हस्तवर्ग मुख्य आत्मनियम सर्वांगी स्नानियम बड़ा स्वागत सत्कार किया, और जब बताया तो महादेव ने कहा, अरे मैया तेरे घर में साबुत नोन की डरी और राई है, राई लोन कर लीनो। महादेव ने हाथ में लिया और बार फेर ला ला के ऊपर शीश हाथ धर दी। अरे प्रथा भई सब दूर बदन की, किलक उठे नंदलाला मगन भई तब नंद जी की रानी, अरे दीनी मोतिन मां। चमत्कार को नमस्कार, नौलखा हार झोली में डाल दिया। महादेव कहने लगे, भैया अब तो हम चलें। बोले नहीं, रहिए जोगी अब नंद महल में। पहले अंदर नहीं आने दे रही थी, अब कह रही महल के अंदर। रहिए जोगी नंद महल में, ब्रज को बासो कीजे, जब जब मेरो ये कनुआ रोवे तब तब दर्शन दी। बाबा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए। यशोदा की प्रार्थना से आज भी महादेव नंद महल के सामने आशेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय हो, और महादेव हमारे हृदय रूपी गोकुल में भी विराजमान हो जाएं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव ने भगवान का दर्शन किया, क्योंकि महादेव का सिद्धांत है, धन दे कर तन राखिए, तन दे रखिए लाज,
धन दे तन दे लाज दे एक राम के काज। सिद्धांत है महादेव, भगवान के दर्शन के लिए उन्हें कुछ भी बनना पड़े स्वीकार है, पर दर्शन होगा। एक हम लोग हैं, थोड़ा सा कुछ हमारे पास आ जाता है तो हम अपनी पोजीशन देखते हैं। कितने लोग हैं जो बेचारे चाहते हैं पर चाह करके भी कथा में बैठ नहीं पाते, क्यों? पोजीशन को देखते हैं। भगवत दर्शन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कोई पोजीशन नहीं। महादेव से सीखना चाहिए हमें। अगले अध्याय के क्रम में एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने करवट बदल लिया। अब बुढ़ापे में बेटा हुआ, बात बात पे यशोदा उत्सव मना रही है और थानिक उत्सव का आयोजन किया और भगवान के पालने को भी महल से बाहर कर दिया। दूध दही के जितने बर्तन थे उनको भी बैलगाड़ी में रख दिया बाहर महल के। बधाइयां बजने लगी। इतने पर दूसरा खिलौना मामा जी के द्वारा भेजा हुआ, पहले गुड़िया भेजा, बच्चे को खिलौना दो तो थोड़ी देर खेल के तोड़ ही देता है। दूसरा गुड्डा भेजा जिसका नाम था शक्टासुर। बैलगाड़ी में सवार होकर के जैसे भगवान का मंगल करना चाहा, भगवान श्याम सुंदर ने पैर के अंगूठे से उसको पलट दिया, उसका भी प्राणांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यशोदा दौड़ी दौड़ी जाती है, आवाज हुई, देखती है भगवान अंगूठा चूसते हुए साइड में पालने पर पड़े हैं, बैलगाड़ी पलटी पड़ी हुई है। देवता मना रही है, न जाने कौन सा सत्कर्म काम आ गया, यदि बैलगाड़ी इधर पलट जाती तो आज क्या हो जाता। अगले क्रम में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन वसुदेव जी को स्मरण आया। वसुदेव जी को स्मरण आया कि महाराज जो है अभी मेरे बेटे का नामकरण नहीं हुआ। उधर गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी भेजे, इधर कंस ने तीसरा खिलौना भेज दिया, तृणावर्त, जो हवा में बाउंडर चलता है ना, तृणवत मन्नते जगत, ये अभिमान का द्योतक है। भगवान को लेके चला, भगवान ने उसका भी टटुआ दबा दिया, वो भी समाप्त हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गर्गाचार्य जी पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के द्वारा भेजे गए गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा नंद, ये नामकरण जो होगा वो सबसे पवित्र स्थान पर होगा और सबसे पवित्र स्थान गौशाला। भारतवर्ष में गौशाला से पवित्र कोई भी स्थान नहीं है। दूसरा कारण ये था कि यदि महल में नामकरण होगा और मेरे द्वारा होगा गर्गाचार्य जी के द्वारा, तो अभी तक तो कंस को कन्फर्म नहीं है और मेरे द्वारा नामकरण होगा तो कंस को कन्फर्म हो जाएगा, वसुदेव का लाला यही है। इसलिए कंस संदेह में पड़ा रहे, उसको पता भी ना चले और नामकरण भी हो जाए। गौशाला में नामकरण की तैयारी हुई, पूजन हुआ, पूजन के पश्चात जब नामकरण की बारी आई महाराज, तो यशोदा जी ने और रोहिणी जी ने आपस में कुछ चर्चा किया कि देखो ये तो पुरोहित वसुदेव जी के हैं, हमारे तो है नहीं, देखे पंडित जी को कुछ आता जाता है, ये धोती कुर्ता टीका चंदन पंडित जी, ये परीक्षा लेने के लिए महाराज। यशोदा ने बलराम जी को गोदी में ले लिया और रोहिणी ने भगवान श्याम सुंदर को गोदी में ले लिया। जब गर्गाचार्य जी नामकरण की बारी आई और गर्गाचार्य जी यशोदा की ओर देखते हुए उंगलियां निर्देश करते हुए कहने लगे अयम ही रोहिणी पुत्र। अरे यशोदा, ये जो तेरी गोदी में है ना, ये रोहिणी का बेटा है, ये तेरा लाला ना है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणी अख्यासते राम इति बलाधिक्यं बलं बपु।
सबको अपने में रमाएगा, सब में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। पर इस अवतार में बलाधिक्यम बलम बपु, शरीर में बल की अधिकता होने के कारण पूरा नाम इनका बलराम होगा। बड़े भैया का नाम कर्ण हो गया। जब छोटे की बारी ही आई महाराज, जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा, देखते ही गर्गाचार्य जी की जो बुद्धि थी फिसलने लगी। महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद ये जो आपका ये लाला है ना, इसके बहुत से नाम हैं, इसके बहुत से नाम हैं, बहुनि संत नामानि रूपाणि चासुतस्ते गुणकर्माणि रूपाणि तानाहं वेदनो जना, तानाहं मेरी क्या औकात है, वेद नो जना, वेद वेद नेति नेति कहकर कह पुकारते हैं। बहुनि संत नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम, कौन कौन नाम रउआ लाल के गिनायो, कहवा से शुरू करी अरे कहवा लग गायो, इनके नाम के नगिति ना अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, अकथवा सब गुण रउआ लाल के अकथवा, सब गुण रउआ लाल के अकथवा, कौन कौन गुण रउआ लाल के सुनाइब, कौन कौन गुण रउआ लाल के सुनाइब, कहवा से शुरू करी कहवा लग जाइब, कहवा से शुरू करी कहवा लग जाइब, इनके गुण के नगति नायक अथवा, सबे गुण रउआ लाल के अकथवा, सबे गुण रउआ लाल के अकथवा, सबे गुण रउआ लाल के अकथवा। नाम करने के लिए बुलाया है तो नाम तो जरूर करूंगा, समझ में आ गया। ये जो आपका लाला है ना, ये रंग बदलता है। लोग बोलते हैं ना जमाना रंग बदलता है, तो जमाना किसका है, जमाना तो परमात्मा का है, पर वो परमात्मा भी रंग बदलता है, इसीलिए जमाना रंग बदलता है। शुक्लो रक्त तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गता, अरे बाबानंद आपका जो लाला है इसके चारों युग में अलग अलग रंग हैं। सतयुग में भगवान का रंग श्वेत है, त्रेता में भगवान का रंग लाल है, कलयुग में भगवान का रंग पीला है, और द्वापर में भगवान का रंग काला है। पीला रंग कलयुग में प्रेम का प्रतीक है, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार, अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार, नहीं है प्रेम जगत में सारे और कुछ सार नहीं, है प्रेम जगत में सारे और कुछ सारे नहीं, अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार, अरे मन कर ले हरि से प्यार और से प्यार नहीं। इदानीं कृष्णतां गता, द्वापर में इनका रंग काला है, इसलिए इनको कृष्ण कृष्ण कहेंगे। करसत अरीन इति कृष्णा, अपने गुण से स्वभाव से नाम से प्रभाव से शत्रु के मन को भी आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोनों भाइयों का नामकरण हुआ। सुखदेव जी कहते राजन इधर काले नाल पे नराजन से रामा कृष्णस्य गोकुले अघ्रष्ट जानवी पादी मभि चक्र मथुरंदसा। भगवान थोड़ा बड़े हुए, भगवान घुटुओं के बल चलने लगे। यशोदा के मन में नाना प्रकार के लड्डू फूट रहे हैं, कब डोलेगा कब डोलेगा, कब बोलेगा कब बोलेगा, जब भय नहीं कब होएगो कब होएगो कब होएगो, जब हो गए तो कब डोलेगो कब बोलेगो। सुरदा जी का पद है काउ दिन मैया कह के बोले गो मेरो वारो सो कन्हैया। काउ दिन मैया कह के बोले गो मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो कारो सो कन्हैया, मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो कारो यशोदा का मनोरथ पूर्ण हुआ। यशोदा का मनोरथ पूर्ण हुआ। कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद बाबा को बाबा बोले अरे बलदाऊ को भैया। कहने लागे मोहन मैया, जब बोलने लगे और डोलने भी लगे महाराज। एक दिन भगवान घुटुओं के बल चल रहे थे और चलते चलते भगवान ने सोचा चलो नंद महल के बाहर तो देखें क्या हो रहा है, बाहर का नजारा कैसा है। जैसे आगे बढ़े तो देहली पर आ गए और नंद महल की देहली, मोटी सी महल की देहली। भगवान घुटुओं के बल चढ़े और धड़ाम दे फिर नीचे गिर पड़े, फिर चढ़े फिर धड़ाम दे नीचे गिर पड़े पलट के। नारद जी लीला देख रहे थे। नारद जी ने कहा जय जय आप वही है ना। तीन पैर पृथ्वी जाने बलिनियो छल, अरे देहली न लांघी जाए रहो यो मचल, कौन पावे या को पा। जय हो प्रभु जय हो। भगवान ने कहा नारद बाबा मैं राजा बलि की यज्ञशाला में छलने के लिए गया था। नारद जी ने कहा यहां कैसे। बोले यहां तो यशोदा के प्रेम ने मुझको छल लिया। नारद जी ने कहा जय जय ये कैसे हो गया कि जगत का पालक बालक बन गया। भगवान कहते प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहेदा, प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहेदा, प्रेम न दिया की सदा उल्टी बहेदा। तीन पैर पृथ्वी ने बलि लियो छल, पैर पृथ्वी ने बलि लियो छल, देहली न लांघी जाए रहो यो मचल, देहली न लांघी जाए रहो यो मचल, कौन पावे या को पा। प्रेम नदिया की सदा उल्टी जब आंगन में मचल गए। आंगन में कीचड़ था, पूरे कपड़ों को कीचड़ में सान लिया, ऐसे ऐसे करके पूरा काजल बिखेर लिया, तो कौन माँ होगी जिसे रोष ना आ जाए। बच्चे को संभालने में कितनी परेशानी होती है, कितनी मेहनत लगती है। एक दिन यदि बाप के पास में बच्चा छोड़ दिया जाए ना तो दो घंटे में परेशान हो गए, फोन करता है तू संभाल मेरे बस की बात ना है। और जब वो बच्चा
कपड़े को फाड़ ले, कपड़ा गंदा कर देता है अभी अभी, तो रोष तो आ ही जाता है। यशोदा के मन में रोष आया और भगवान श्याम सुंदर को देख करके भाव की लीला है, ये माधुर्य है। जिस परमात्मा के सामने ब्रह्मा को यदि बोलना पड़ता है तो ब्रह्मा की जबान लड़खड़ाने लगती है, नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये, हाथ हिलने लगते हैं। उस परमात्मा को यशोदा को बोलना होता है तो संकोच नहीं करती, क्योंकि प्रेम में सब जायज है, प्रेम में सब जायज है महाराज। और यशोदा ने भगवान श्याम सुंदर को देख करके कहा, तुम सुकरोषि गत जन्मनि पूतना। अरे धारी के, मुझे लगता है तू अगले जन्म में सुअर था। भगवान ने कहा, मैया तो को कैसे पतो, मैं सुअर भी था, भगवान ने बड़ा रूप धारण करा दिया, मैं तो नरसिंह भी था। यशोदा घबरा गई, यशोदा ने कहा, नहीं 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 नहीं, मुझसे भूल हो गई, तू तो मेरा लुरु लुरु प्यारा प्यारा कन्हैया है। भगवान श्याम सुंदर बड़े हुए, अरे चंदा मांगे, भैया मैं तो चंद्र खिलौना है। नाना प्रकार से लीला करते हैं। थोड़ा बड़े हुए, जब बड़े हुए तो सूरदास जी के लाला की पैजनिया बाजे रे।